हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो टॉपिक है, मैं बताया था जो मेरा सबसे फर्स्ट टॉपिक था जब मैंने स्टार्ट किया था कि अब मैं डेली ब्लॉग डालूंगा, यूट्यूब पे थोड़ा सीरियस हो जाऊंगा। टाइम पास तो बहुत कर लिए थे। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन वाला एक मेरा टॉपिक था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन हम लोग जो काम करते हैं उससे या बाकी किससे आप लोग ऑनलाइन कैसा पैसा कमा सकते हो। एक बिजनेस तो हमारा सबका चल ही रहा है, जैसा मेरा ये काम चल रहा है और भी दो तीन काम चल रहे हैं। आप लोगों के भी कोई ना कोई, किसी की शॉप चल रही है ऑनलाइन की, किसी का कुछ चल रहा है, कोई ना कोई आपका बिजनेस चालू है। लेकिन आज के टाइम में एक बिजनेस या एक अर्निंग सोर्स से अपना पूरा नहीं होता है। कुछ ना कुछ कब इमरजेंसी आ जाए, किसी को हॉस्पिटल या कुछ बोलो, या कब अनहोनी वाला खर्चा आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। मैं बोलो चाहे आप लोग, किसी पे भी ये चीज आ सकती है। एक ऐसी हमको इनकम सोर्स चाहिए कि वो इनकम सोर्स आती रहे और वो पैसा हम साइड में रखते रहे, यानी वो पैसे को हम यूज ना करें जब कोई इमरजेंसी आ जाए या बहुत अर्जेंट काम है या कोई चीज खरीदना है, कोई ऐसी चीज की वो आगे जाके हमको फायदा देंगी या कुछ, या वो चीज की नीड है, तब वो पैसा अपने को काम में आएगा। तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसर करके काम कर रहा है, कोई कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कोई कोई किसी MLM में काम कर रहा है। एक चीज है जो बहुत लोगों ने सुने हैं, लेकिन बहुत से लोग वहां पे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ होगा नहीं। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो था, आप देख लेना, YouTube पे अपन अमाउंट कैसा कमाना है, कैसा अर्निंग करना है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे यार हम लोग YouTube पे कमाएंगे, लोग इतना कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, महीने का $1,000 कमा रहा है, कोई $500, कोई $100, कोई $50, XYZ जो भी कमा रहा है, या महीने का $1 भी। डॉलर इसलिए कि वहां पे जो भी अर्निंग होती है हमारी वो डॉलर में ही रहती है। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग यूट्यूब के ऊपर कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं करके, लेकिन होता क्या है, कुछ वीडियोस डालते हैं हम लोग, नहीं होता है, रिस्पांस नहीं आता है, तो फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं। वहां हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जो चीज मैंने पिछले वीडियो में दिया था कि लोग क्या कहेंगे, या लोग बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हैं, ये पागल है क्या, ये वो ऐसा सब। तो सबसे पहली चीज कि वो आपको नहीं करना है। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, ये टॉपिक है यूट्यूब के ऊपर हम लोग पैसा कैसे कमाए, हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब। वीडियो को लास्ट तक देखना तभी आपको पूरी चीज समझ में आएंगी। ये तो अभी पार्ट वन है, इसके बहुत से अलग अलग वीडियो में आगे डालते रहूंगा धीरे धीरे करके। तो एक रिक्वेस्ट है, जो भाई नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा अर्निंग के रिलेटेड या दूसरे कोई भी, वो मिस ना हो। और जो पुराने भाई है, अगर ये वीडियो किसी को नीड है, किसी को चाहिए, तो आप लोग उनको शेयर कीजिए। तो यूट्यूब पे बहुत ही आसान है पैसा कमाना। हमारा डेली का रूटीन रहता है, हम लोग सुबह उठे, ब्रश किए, फिर नहाए वगैरह, बाहर निकले ऑफिस के लिए, अपने शॉप के लिए चले, फिर वहां पे अपने शॉप में जो डेली रूटीन है वो काम कर रहे हैं। ये भी आप वीडियो अपना डेली रूटीन उसमें डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर कुछ चाहिए, वो डेली रूटीन में भी आप कुछ कुछ चीजें ऐसी लोगों को सिखा सकते हो जो उनके लाइफ में उनको काम में आ सकती है। तो लोग बोलते हैं ना कि ये टॉपिक के ऊपर वीडियो डालो, वो टॉपिक के ऊपर, ठीक है भाई टॉपिक के ऊपर तो वीडियो चाहिए तभी बंदे देखेंगे, लेकिन डेली रूटीन में बहुत से काम ऐसे होते हैं, कोई काम आप कर रहे हो, वो काम करने का आपका तरीका अलग है, मैं कर रहा हूँ मेरा तरीका अलग है, और कोई कर रहा है उसका तरीका अलग है। ये चीजें भी हम लोग लोगों को बता सकते हैं कि ये काम हम लोग करते हैं लेकिन हम इस तरह से करते हैं, आप देखो कर सकते हैं, आपको अगर इजी लगता है तो इस तरह से हम लोग डाल सकते हैं। बाकी आप चैनल जो बनाना है, मैं शॉर्ट में सब बता रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, बाकी एक एक टॉपिक का मैं डिटेल वीडियो बाद में लेके आऊंगा। अब बात आती है चैनल कैसे बनाना है। चैनल बनाना कुछ भी हार्ड एंड फास्ट है नहीं। चैनल बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, सॉरी वो मेरे लैपटॉप पे काम भी चल रहा है तो वो भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। आपके पास ईमेल आईडी सभी के पास रहती है जीमेल की, वो ईमेल आईडी से ही यूट्यूब पे चैनल बन जाता है बहुत आसानी से। यूट्यूब पे ओपन करो, वहां पे क्रिएट चैनल पे क्लिक करो, डिटेल्स मांगेगा आपका, चैनल का नाम वगैरह वो डाल दो, नाम सोच लो क्या रखना है, नेट पे सर्च कर लो, वहां से आपको सजेशन मिल जाएगा। अब बात आती है टॉपिक की। चैनल तो बन गया हमारा, हमने बना लिया तुरंत, 2-5 मिनट में चैनल बन जाता है। टॉपिक आप ऐसा लोगे जो चीज में आप खुद एक्सपर्ट हो। ऐसा नहीं कि लोग ट्रेवलिंग का टॉपिक ले रहे हैं तो हम भी ट्रेवलिंग का लेंगे, ठीक है। लोग ले रहे हैं कंप्यूटर खोल के उसको चिल्लर करने का तो हम भी वही करेंगे। जो चीज में आप लोग एक्सपर्ट हो, अब जैसा कि मैं एक तो ट्रेवलिंग और दूसरा मैं अपना पैन कार्ड ऑनलाइन काम का है, ये मेरे को लगता है मैं एक्सपर्ट हूँ। पूरी तरह से मैं नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी जगह पे मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ, और वो लोग मेरे वीडियो से या इससे, उन लोग बहुत से जो भी वीडियो डाला हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो नए हैं वो भी जान लेंगे, जो लोग बहुत से मेरे वीडियो से
अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इस तरह का आप कोई भी एक टॉपिक सर्च कर लो, वो टॉपिक के ऊपर पहला वीडियो बना लो आप, माय फर्स्ट ब्लॉग, उसमें आप एक इंट्रो दे दो 2-3 मिनट का कि आप लोग आपके चैनल पे कौन से वीडियो डालने वाले हो, किस टाइप के, फिर आपका चैनल पे वीडियो डालने का रूटीन कैसा रहेगा, आप डेली डालोगे या डे बाय डे डालोगे, एक दिन आड़, दो दिन आड़, या तो फिर आप हफ्ते में एक बार वीडियो अपलोड करोगे अगर आपके पास में टाइम ज्यादा नहीं मिल रहा है तो। ये चीज आप लोग फाइनल कर लो, वो एक इंट्रो बना लो आपके चैनल का। अब बात आती है वीडियो रिकॉर्ड कहाँ से करें। लोग बोलते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, DSLR चाहिए, ये वो। कोई जरूरत नहीं है भाई, आपके पास में एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन हर एक के पास में है, एंड्रॉइड फोन का कैमरा पकड़ो, उठाओ, चालू हो जाओ बोलना, कुछ नहीं लगता है। हमको अभी अर्निंग करना है, हमको अभी खर्चा नहीं करना है, हो सके उतना हमको खर्चा भी हमारा बचाना है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई हम लोग खर्चा कर रहे हैं, पहले ले लिए ये सब चीजें और फिर बाद में पता चला कि हमारी अर्निंग को टाइम लग रहा है अपने काम से। तीसरी चीज उसका टाइटल, YouTube पे बहुत से वीडियो है, मैं भी आगे वीडियो डालूंगा, आप टाइटल क्या रखना है आपका। अब जैसे आपने एक वीडियो बनाया फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा पेन है, पेन का मेरा रिफिल खत्म हो गया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका रिफिल खत्म हो गया, रिफिल कैसे चेंज करूं, तो आप टाइटल डाल सकते हो हाउ टू चेंज अ पेन रिफिल खत्म। इस तरह से आप टाइटल वगैरह डाल सकते हो, बाद में रहता है डिस्क्रिप्शन, हैशटैग वगैरह। तो आप जैसे जैसे इसमें आओगे धीरे धीरे, वैसे वैसे आपको ये सब समझेगा। और इसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो आगे देते रहूंगा कि डिटेल्स कैसे डालना है, हैशटैग्स कैसे डालना है, आपको क्या करना है। इसके बाद आता है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना। अपलोड करना बहुत ही सिंपल होता है, यूट्यूब के सभी के पास में यूट्यूब है, बीच में एक प्लस का आइकन बना रहता है, उस पर क्लिक करो, अपलोड वीडियो का ऑप्शन आता है, आपका वीडियो सिलेक्ट कर लो, अपलोड हो जाएगा। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो डाला तुरंत मेरा वीडियो लाइव हो गया और तुरंत मेरे को पैसा आना चालू हो गया। इसमें कुछ कंडीशन है यूट्यूब की, उसमें एल्गोरिदम चेक करता है यूट्यूब आपके वीडियोस का, वो कहीं कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, आपने किसी का चुरा के वीडियो तो नहीं। अब जैसे मेरा वीडियो है, मेरे वीडियो को आपने डाउनलोड कर लिए, वो वीडियो को डाउनलोड करके आपने अपलोड कर दिया, वो आ गया कॉपीराइट कंटेंट, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उसमें रहता है गाइडलाइन जो रहती है, सबसे मेजर लोगों को दिक्कत आती है, आप लोग कोई वीडियो बना रहे हैं किसी डेमो का, तो उसमें किसी का मोबाइल नंबर, पर्सनल जो डिटेल्स होती है, आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, ये कहीं पे भी वीडियो में शो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कम्युनिटी गाइडलाइन में आ जाता है वीडियो, तो भी यूट्यूब वो वीडियो को निकाल देता है। ये 2-3 चीजों का आपको, जब आप बिगिनर हो तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में यूट्यूब पे पैसा आना कब स्टार्ट होगा हमको, तो यूट्यूब पे हमको पैसा आना स्टार्ट कब होगा कि जब कि जब हमारे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा। उसके बाद में चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग। मोनेटाइज में यूट्यूब चेक करता है कि सब्सक्राइबर रियल है या नहीं, इन्होंने वॉच टाइम लिए वो रियल है या नहीं, उसके बाद में आपका चैनल मोनेटाइज होगा और उसके बाद में आपको वीडियो पे एड्स स्टार्ट करने का और वो सारे ऑप्शन आएंगे मोनेटाइज के आपके स्टूडियो में, और ये सब बहुत सी फैसिलिटी बाद में आपको मिल जाएंगी उसमें। पैसा आता है गूगल अकाउंट में, हमारे गूगल एडसन अकाउंट होता है, उसके अंदर $100 जमा होने के बाद में वो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं हमारी बैंक के अंदर। उसका कुछ टैक्सेस रहता है, वो टैक्सेस कट होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस जो भी रहता है गूगल का और बाकी बैंक का चार्जेस वगैरह, ये सब वो सारा अमाउंट डिडक्ट होने के बाद में वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो ये जो चीजें थी मैं आपको शॉर्ट में पूरी अभी बता दिया हूं। आगे चल के हम लोग इसके हर चीज के एक एक टॉपिक का, स्टार्टिंग चैनल कैसा बनाना है, अबाउट माय फर्स्ट व्लॉग, ये हर चीज का मैं एक 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 वीडियो आपको देते रहूंगा धीरे धीरे, जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तब मैं आपको वीडियो देते रहूंगा। और एक चीज मुझे बताना था कि ये चीज ध्यान रखना, ये जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मैं एक सजेशन दे रहा हूं, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। यूट्यूब चैनल बनने के बाद में कभी भी अपने जो फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, इनको मत बोलो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल देखो, ठीक है। आपको जिनके ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं भैया ये बंदा मैं जो बोलूंगा वो करेगा, ये बंदा मेरा एकदम करीब है, आप उसको बोलो। जैसा कि मैं सोने बोलता हूँ, सोने मेरे चैनल का वीडियो देख, सोने ये कर, वो करता है। राजीव को बोलता हूँ, प्राजक्ता को बोलता हूँ, मेरे घर पे मेरी वाइफ को बोलता हूँ, आपको पता है कि हाँ भैया ये बंदा करेगा, ये देखेगा, तो ही उसको बोलो। लोग क्या करते हैं, आपके जो दोस्त है, मेरे भी कुछ दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो दोस्त अगर वीडियो देख रहे तो समझ जाएंगे, आपके सामने सब्सक्राइब कर लेंगे, एक आधा वीडियो देख लेंगे, बाद में जाके वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते, अरे यार कुछ नहीं है। तो ये चीज मत करो, उससे आपके चैनल के अगर सब्सक्राइबर ड्रॉप होते हैं तो चैनल पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है रैंकिंग में वगैरह, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि यूट्यूब चैनल पे कैसा पैसा कमाना है, ये चीज मैंने आपको
शॉर्ट में कुछ हद तक दिखा दिया हूँ। बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बड़े बड़े टेक्निकल चैनल वाले हैं, उन लोग डेमो के साथ और बड़ी बड़ी बातें करके दिखाते हैं, ठीक है भाई। मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एकदम लोकल जो गावराम भाषा हम लोग बोलते हैं ना, देसी वाली, उसमें आपको शॉर्ट में समझा दिया। क्योंकि अगर पहली बार में ही मैं आपको एकदम डिटेल बता दूंगा और सब पूरा समझा दूंगा टेक्निकली चीजें, तो कंफ्यूज होगा जो लोग नए हैं। जो नए नहीं है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। जो लोग नए हैं, अभी अभी यूट्यूब पे आए हैं कि हाँ भैया इनकम सोर्स नहीं है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, या तो फिर सेकंड अर्निंग सोर्स चाहिए हमको, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को बोलना है, ये मत सोचो कि आपका चैनल मोनेटाइज आपने करवा लिया। पैसे देखिए कहीं से भी मोनेटाइज होता है, चैनल सब्सक्राइबर ले लो, वॉच टाइम ले लो, हो जाता है आपका चैनल 5,000 से लेके तो 10,000 के बीच में, अलग अलग लोग रहते हैं, रेट से हो जाता है चैनल सब्सक्राइब। तो ऐसा नहीं है कि अभी चैनल सब्सक्राइब कर लिया अब मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में भी आपको मेहनत करना है, आपके चैनल के ऊपर आपको वीडियोस डालना है। भाई YouTube एक दुकान है, मैंने आज दुकान ओपन कर लिया। दुकान में आने के बाद में मैंने सामान ले लिया, दुकान खोल दिया, इन द सेंस मैंने मोनेटाइज कर दिया वीडियोस और वो सब डाल के। अब वो सामान को मुझे बेचना है, वो वीडियोस लोगों तक देना है, लोगों को पसंद आना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करना है, वीडियोस डालते रहना है। कोई एक वीडियो कभी ना कभी, अभी मेरा एक वीडियो है अजंता के, उसका वो वीडियो वायरल हुआ है मेरा, वो वीडियो 1100-1200 लोगों से ऊपर लोगों ने देखा है, और भी मेरे कुछ वीडियोस है वो धीरे धीरे वायरल हो रहे, लोगों को काम आएगा, देखते हैं सर्च में जाएगा, सजेशन में जाएगा, रीच में जाएगा, ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कैसा सजेशन में जाता है, रैंकिंग कैसा होता है, उसमें वो बढ़ता है। तो भाई आप वीडियो डालते रहो, और ये मत भूल सोचो कि हाँ भाई अब मैंने इतना डाल दिया, अब मेरा होगा नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। भाई एक दिन में कोई चीज होती नहीं है, कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करो, एक साल आपको खाली बैठना पड़ता है। या तो आपने दुकान रेंट पे लिया, 4 दिनों का स्टाफ रखे, इलेक्ट्रिक बिल है, नेट बिल है, बाकी जो भी चीज है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें आपको घर से भरना पड़ता है, उतना भी पैसा नहीं आता है साल भर नए शॉप पे। तो ये भी एक शॉप है, अपनी शॉप एक सिटी के लिए, एक एरिया के लिए रहती है। ये जो अपनी YouTube वाली शॉप है ना, ये ग्लोबल शॉप है, ग्लोबल में तो टाइम लगेगा। बाकी धीरे धीरे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा गूगल एड से अपने को अपने चैनल पे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, कहां से हम लोग को एड लगाना है कि लोग आके हमारे वीडियो देखेंगे। अब हर किसी को तो पता नहीं चलेगा आपका वीडियो है करके, देखो। तो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। आई होप कि जो एकदम नए लोग है जो सोचते हैं कि यूट्यूब में हमको कुछ करना है या स्टार्ट करना है, तो ये लोगों को ये समझ में आई होंगी मेरी बातें। और जो लोग प्रोफेशनल है वो लोग ये वीडियो देख के हंसेंगे भी कि ये किस तरह से समझा रहा है। तो भाई मैंने जो एकदम बिगिनर है ना, जब मैं बिगिनर था तो मैंने भी एक जैसे तरीके से मैं बोला हूं ना, मैं भी ऐसा एक वीडियो देख के ही मैंने स्टार्ट किया हूं। बहुत से वीडियो देखता था टेक्निकल वाले वगैरह, सब नहीं समझ में आता था, सोचता था कि बहुत हार्ड है, कैसा करूंगा क्या। लेकिन जैसा वीडियो मैंने दिया, ऐसा एक वीडियो देख के फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि नहीं भाई है, हर चीज में मेहनत तो करना है, धीरे धीरे होगा बढ़ेगा। तो इस तरह से मैंने किया, तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। और भी अब मैं 1-2 महीने में सोच रहा हूँ और एक चैनल लाने का, हम लोग एक मिल के चैनल ला रहे हैं, उसमें हम 2 पार्टनरशिप में रहने वाले, 2 या 3 लोग, वो देखते हैं कब तक होता है। तो आई होप कि आपके सारे डिटेल्स इसमें सॉल्व हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे बने रहना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल पे बने रहो तो ये यूट्यूब का पूरा डिटेल में ट्यूटोरियल दूंगा कि किस तरह से करना है, एक 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 वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो फिर मिलते हैं, आज के ब्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। थैंक यू।